गीमर मेरा बता टह नहीं गया इस यहाँ से। तो पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा इस संसारिक धंधे ने फाइनल मान रहा है और जो इस सत्संग के सुख से एक बार परिचित हो जाता है, फिर वो बूंद की तरह अटक को नया से, क्योंकि ये सुख न्यारा है और वहाँ सुख है ही नहीं, वो तो एक ब्रह्म माटी है, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। लेकिन परमेश्वर ने यह बताया कि उस प्रारब्ध कर्म करते करते इस मालिक के लिए भी थोड़ा समय निकालो। असंग जन्म तन मृत्या हो गे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। यहां आने के लिए आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा। जीवित मरण का अर्थ होता है, एक तो ये होता है कि मन चाहता है विकार करना, गुटी शूटी लाना, पता नहीं के इसके हवाई किले होते हैं, बीड़ी शराब मास्टमा को सांग सिनेमा देखना, कितना गप्पे आंकना, ताश खेलना, सिनेमा देखना, इनसे मन हटा लेना भी जीवित मरना है। और दूसरा मरना ये है कि मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में और सुबह उसने वापस आना था, कोई विशेष काम था, और वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी उस व्यक्ति की। अब जो व्यक्ति रात ने ट्रैवल कर रहा है तो कितना स्पीड होगा उसके काम की, कितना जल्दी थी उसको वापस आकर मैं ये करूँगा और वो करूँगा। अब उसका काम तमाम हो गया, अब वह जल्दी भी रहेगी और काम भी रह गया, कदे नहीं जा सकता, कभी नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं जब आप यहां आने की सोचो तो उस समय ये मान लीजिए आज मेरी मृत्यु हो जाए और फिर कौन करेगा इस काम ने जिसके ऊपर मैं इसे अनमोल स्थान पर जाने से बाधित हो रहा हूं, वंचित हो रहा हूं। तो नो सोच ले मैं मर गया और चाल देखी जाएगी, तीन दिन के लिए, चार दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक दिन के लिए मर के देख लो। अब ये तीन दिन हम मर के आ गए, सोच ले मर गए, जीवित मर गए, और इस तीन दिन में या दो दिन में चार दिन में जितने दिन आप रहोगे, जितना भी कोई काम आपका खराब शराब आप मानते हो हानि होगी तो फिर पूरी कर लेंगे अपना लाग लोग, क्योंकि पहुंच गए हम दोबारा, तीन दिन मरे, और यदि परमानेंट टिकट कट जा जब के कर लेंगे तो भी तो काम रह जाएगा। तो इस प्रकार इन फार्मूला ने अप्लाई करके और आंख मीच कर चल पड़े, तब यहां आया जागा ना काल कती नहीं आन दे। कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काणे, और संत मिलन को जब चले है ये अटकाव है आने, इनका अटकाया अटके नहीं जो संत मिलन को जावे, कहे कबीर सो संत है वो आवागमन नसावे। मात पिता सुत बेटे ने कहे स्त्री, आलस यानी लेजीनस आलस कर जा, और बंधु कान लोकलाज ये बाधक हैं, जब संत मिलने को चलता है तो ये अटकाती हैं, इसको रोकती हैं, बाधक बनते हैं। कई जवान बच्चे आते हैं, मेरा पिताजी स्वयं दारू पीवे, शराब पीता है, और मुझे नहीं होगा तू सत्संग में जागा तने काट दूंगा, तने पीटूंगा, और ऐसा ही करता है, और मैं आता हूँ, मैं रुक नहीं सकता। ऐसे कई बहन हैं, वो कहती मेरा पति दुखी करता है, मार पीट करता है, और फिर भी मेरे पर रुका नहीं जाता। ऐसे कई भक्त कहते हैं मेरी पत्नी ने कहा जहर खा कर मर जाएंगी जब तू सत्संग में गया था, अब बता क्या करें। लेकिन फिर भक्त कहता भाई मरे चाहे जी, गलत जगह में जाता ना, और अब तो मेरा समझ में आ गई। तो यहाँ फिर कहीं बंधु कान यानी लोकलाज, कुल परिवार के लोग कहने लग जाएंगे, एक पड़ोस में बैठकर चर्चा करेंगे, भाई दोहरा कहेंगे इनका इन अक्ल मारी जा रही है,
ले है तीसरा दिन झोला ठाव बैग ठाव और चलो सत्संग में जा रही है सत्संग में कि कह दरिया इनमें ये तो है। तो एक भगत कह रहा था मैं सत्संग का नहीं चल जाना और मेरे वो दारू पीने मित्र ने कहा अच्छा नो सचू ये खाकर चली बिल्ली हजकू। तो मैं उनको नो कहूँ भाई मैं अब हम तो चल तो पड़े हजकूँ तुम चले भी नहीं हजकूँ तुम अब भी बन रहे ये दुष्ट बुरे कर्म करने उनकी बातों में उनकी मजाकों में उनके द्वारा दिए गए ये टोंट सहन करता हुआ परमात्मा की जो इस वाणी कसक मन रुकण नहीं देती। जिस बुजुर्ग के बेटे सियाणे हो जाए बड़े हो जाते हैं मात पिता के वो लोक लाज के कारण बच्चों ने कहन लाग जाते हैं दूसरे लोग के पा गया तेरे हमारा एक रिश्तेदार था उसने नाम ले लिया एक पाठ कराया घर घर जाकर पाठ कराया करते। अब पाठ कराया तो वो बालक सियाणे हो रहे थे उनके पड़ोसिया ने न्यू बका दिया उनके बच्चे कहन लगे भाई तेरा बाबू तो पागल हो गया पिताजी और यू थारा नाश करेगा देख ला दिए 2000 रुपये अरीब देख लिए तो मेंटल हो लिया। अब वो इसे पीछे पड़े उसका नाम भी छुटवा दिया और करते बाहर लकड़ने पर भी प्रतिबंध ला दिया। वो ढीला आदमी था ज्ञान समझा नहीं था वो टाल कर गया। तो कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और सतगुरु मिलन ने जब चला ये अटकावे आण इनका अटकाया अटके नहीं और सतगुरु यानी संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है वो आवागमन न सावे। तो इस प्रकार जब हम परमात्मा के मार्ग पर प्रस्थान करते हैं तो इस तरह की बाधाएं भी हमारे को आती हैं लेकिन इनको हमने चीरते हुए आगे चलना पड़ेगा। तो जैसे मीराबाई जी थी उनको बहुत कुछ लोगों ने भला बुरा भी कहा लेकिन उसके बात समझ में आ गई थी। वो यही कहा करती कि भाई इब चाहे मुझे बुढ़ी कहो चाहे गुंडी कहो मेरे तो यह बात समझ में आ गई और मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। को असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे और द्वादश मद महल मठ बोरे फिर बोहर ना देत रे रे। तो इस प्रकार के फार्मूले अप्लाई करके हम यहां आ सकेंगे और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। परमात्मा कहते हैं के जब ये लोक लाज के कर लेगा तू चार पाया का हो। परमात्मा कहते हैं अब तो तू लोक लाज में भाई कुल बंधुओं की बात न मान के सत्संग नहीं सुनेगा और फिर तू गधा बन जाएगा चार पाया का फिर ये लोक लाज के करेगी तेरे ऊपर बैठेंगे ये लोग। तो अपना पीछा छुटवाना है तो परमात्मा के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को स्वीकार करना होगा। पुण्यात्मा अब क्या था कि आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठकाना ना। अब जैसे आप जी यहां हो आपके पास बहुत अच्छी कोई संपत्ति भी है माता पिता भी हैं बच्चे भी हैं और कल मृत्यु होगी होगी तो कहेंगे उठाओ 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 जल्दी करो जल्दी करो और 2 घंटे भीतर शमशान घाट पर फूक फाक कर फारिग हो जाएंगे रोने वाले रोए जाओ और वो चला गया ऊपर मनमाना फिक्रा कित गदे की यो नीम जागा और पाछा उसके और नरे लटोटर शुरू कर देंगे। अब वो मान लीजिए को पुण्यात्मा भी था और मृत्यु होगी वो चला गया स्वर्ग में जब स्वर्ग में पुण्य समाप्त हो गए तो कहेंगे वहाँ से भी समाप्त होते कहेंगे चल नरक में। अब नरक का समय समाप्त होगा वहां से कहेंगे चल गधे की योनि में। अब गधे का जीवन पूरा होते हुए चल कुत्ते की योनि में और फिर 84 लाख योनियों में धक्के खा के फिर मनमाने फिर मनुष्य जीवन आ जाए।
ब्रह्म लोक तक भी गए हुए प्राणी वापस आते हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म लोक फाइनल प्लेस है इनका, और ये सबसे अंतिम सुख में स्थल है, और वहां जाने के बाद भी फिर भी चलो चलो केवल सतलोक में जाकर के या चलो चलो समाप्त होगी। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। बिन साहेब यानी परमात्मा सतपुरुष की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना ना, कि तो सथाई सथल नहीं है। पुणात्मा उस सथाई स्थान को पाने के लिए जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है, अर्जुन यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर, फिर वो जो तुम्हें ज्ञान दे उसके आधार से उस परमात्मा की प्राप्ति कर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति यानी वहां चलो चलो समाप्त हो जाएगी और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थान को प्राप्त होगा, फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपने विषय में चौथे अध्याय के पांचवें और नौवें श्लोक में, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में अर्जुन गीता ज्ञानदाता कहता कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो भी मरेगा मैं भी मरता हूं। ये अरहट का कुआ लोई यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देख्या हरहट डोर कहूं सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे हरहट डोर बंधे सब आवे। 600 साल पहले परमात्मा ने कहा था ये तेरे चतुर्भुजी भगवान कहावे ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये भी जन्म मृत्यु के इस चक्कर के अंदर हजारों बार धक्के खा लिए भटक लिए। अब 600 वर्ष पहले ये बातें इतनी कड़वी लगी उन अज्ञानी संतों के अज्ञान के कारण, हमने परमात्मा को स्वीकारा नहीं। आज वही ज्ञान है आप जी को स्वीकारिए हो रहा है क्योंकि आप शिक्षित हो गए, और ये शिक्षा मालिक ने इसलिए दी है कबीर जी ने कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब ये पीक टाइम है, ये भक्ति युग है, भक्ति काल शुरू हो गया, भक्ति का समय शुरू हो गया। यह बिचली पीढ़ी है, पहले जब परमात्मा आए थे कलयुग के प्रथम चरण में मगर से गए थे वह सह शरीर धर्मदास जी को मिले थे, तब कहा था धर्मदास जी इस ज्ञान ने लिपिबद्ध कर ले, और अभी इस मूल ज्ञान को किसी को समझाना नहीं। अरे यो मेरे वाला ज्ञान किसी के समझ में आवक होना बिना समझाए बिना मेरे बिना, परमात्मा कहते हैं। और धर्मदास तो लाख दोहाई ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाए। काल ने कहा था परमात्मा से सतयुग में, प्रथम सतयुग में कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समय ही, और अनेक पंथ चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। कहते हैं एक तो 12 पंथ तो कबीर पंथ में चलाऊंगा, और उसके बाद ये और पंथ काल के नरे चलाऊंगा, जैसे राधा स्वामी पंथ, दंदन सदगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव वाला पंथ, यो निरंकारी पंथ, ये सारे काल के पंथ हैं, और इनके संतों को कह कह का भी नहीं पता सतलोक के बारे में, और ये महिमा सतलोक की गांव है। अपुणात्मा यहां बात आकर जाती है कि भाई ये दास ये जो बात कह रहा तो है तो सच्ची कति सत्य है, लेकिन यह सच जचे को नहीं, इसको जचाने के लिए थोड़ा सा लालटन दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं तुम्हारा सौभाग्य है, आप जी के को ये खजाना मिल गया, और इसमें देख अच्छी बढ़िया सर्दी पड़े हैं, खा के गर्मा गर्मा रोटी, बढ़िया देसी घी का हलवा है, और नीचे गद्दे बिछा रखे, परमात्मा बिछवा रखे अपने बच्चों के लिए, रजाई दे रखी सब तई, और बैठ के सुनो मालिक की वाणी,
पहले हम जब स्मारक